सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक। मात्र ये दो ट्रिक को जान लो और 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे और आपको कभी ज़िंदगी में फेल नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा कि अगर आपने अभी तक ये मैथ की प्रश्न पत्र है, ठीक है, ये पेपर है और ये मैंने बोर्ड की कापी ले रखा, और किस तरह से आपको ये दोनों ट्रिक के बारे में बताऊँगा कि अगर आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल जीरो है फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो इन दो ट्रिक को अगर आप जान लेते हो तो आप ये जो वीडियो है ये क्लास 10th 12th और ऑल अदर क्लासेस के लिए अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 101% सक्सेस हो जाओगे और कभी फेल नहीं हो सकते। तो देखो, इस ट्रिक को सबसे पहले जानना इसलिए ज़रूरी है, ये ट्रिक मैंने बहुत बार अप्लाई किया और प्रीवियस ईयर के बच्चों के साथ वो पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लेकर भी आए हैं। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर या कोई भी सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है तो क्या करें, वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देते हैं वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग होता है वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथ में रखता है। अब देखो, मैथ में स्टार्टिंग किस तरह से आपको करना है, मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, ये तो आप चीज़ें जानते हो, ठीक है, इसका मैं बिल्कुल विस्तार से एनालिसिस करूँगा इस वीडियो में। इसके बाद देखो, स्टेप मार्किंग होता है तो आप यदि स्टेप क्या है यानी स्टेप को किस तरह से हम बढ़ाएंगे कि हमारी जो मार्किंग हो वो काफ़ी अच्छी हो और जो ट्रिक हो वो काफ़ी अच्छी तरह से लागू हो जाए। देखो, कोई भी अगर मैथ को आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है, ये बिल्कुल प्रश्नानुसार आपको लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है दिया है, यानी कि जो प्रश्नानुसार दिया है ये सब चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, वो किस तरह से लिखना है ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे यार मेरे भाई यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, यदि ए बराबर ब्रैकेट में 1 -1 -1 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, तथा बी बराबर 1 1 1 1 है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है वो शून्य अपव्यूह है, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। तो आपको लिखना क्या है, देखो प्रश्नानुसार जो चीज़ें दिया गया है उसको लिखना है, इसके बाद दिया है लिखना है, इसके बाद जो मान पेपर में दिया है उसको चिन्ह सहित लिखो, ठीक है, अगर प्लस में दिया है तो प्लस में लिखना है, माइनस में दिया है तो माइनस में उसको लिखना है। ये ट्रिक मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस तरह ये बेजोड़ ट्रिक है यार, बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हो मैथ में। और देखो, इसके बाद किसी भी सवाल का ठीक आंसर न पता हो तो उसे छोड़ो मत, उसे ऐसे लिखो नंबर मिलना गारंटी है ये मेरा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, अब देखो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको ये कॉपी लेनी है और कॉपी में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ये 8वां है तो हमने यहाँ पे 8वां लिख दिया। इसके बाद आपको उत्तर इस तरह से लिखना है, उत्तर लिखने के बाद आप इस चीज़ को देख सकते हो कि दिया है क्या, यदि a बराबर 1 -1 -1 और 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रश्नानुसार हमने क्या बताया, ट्रिक हमारी क्या कहती है, इसमें दो ट्रिक बताने वाली यार, दो ट्रिक को आप अगर जान जाते हो तो यार 101% आप मैथ में कभी फेल नहीं सक सकते। आपको प्रश्नानुसार देना है, इसके बाद एक कामा लगाने के बाद, ठीक है, इसके बाद दिया है लिख देना है, दिया यानी प्रश्नानुसार जो भी चीज़ें दिया है उसको लिख देना है। दिया है क्या, दिया है ए बराबर देखो 1 -1 -1 और 1, यहाँ पे आपने देखा कि a बराबर इतना दिया है और b बराबर 1 1 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेकेंड दिया है b बराबर 1 1 1 कोष्टक में, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोल रखा है कि ज्ञात कीजिए ए बी बराबर 0 अपव्यूह, तो हमें यहाँ पे लिखना है यही कि हमें ज्ञात करना है ए बी 0 अपव्यूह है बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसके आपको फार्मूले आते हो, इस क्वेश्चन के अगर आपको फार्मूले आते हो तो आप उस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो, या देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी दिया, ठीक है, तो आपको ए और इस तरह से बी लिखने के बाद ए की वैल्यू लिख देना है यहाँ पर 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया -1, फिर यहाँ पे -1, इसके बाद 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपको करने के बाद b की वैल्यू लिख देना है इस तरह से 1 1 1 1। अब देखो, हमने बताया कि ये जो ये मैथ है, ठीक है, इसमें स्टेप मार्किंग होता है, आप जितने स्टेप बढ़ाओगे
तो आपको इसमें बहुत अच्छी खासी नंबर मिलते हैं। यदि आप सवाल भी अच्छे तरीके से कर लेते हो, पूरे सॉल्यूशन के साथ देते हो, बट ये स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके जो मार्क्स वो कट जाते हैं, ठीक है। तो यार अगर आप मैथ में सवाल जानते हो तो भी ये ट्रिक आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक है, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 99 नंबर आप ला सकते हो अपने मैथ में, ठीक है। तो ये ट्रिक देख लो आप, ये तो ट्रिक पहला है, ये ट्रिक कुछ नॉर्मल है, ठीक है, ये ट्रिक कुछ नॉर्मल है। अब जो सेकंड ट्रिक की बात करेंगे तो वो यार बिल्कुल कमाल मचा देगी, ठीक है। तो आइए हम सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं। यार सेकंड जो ट्रिक है वो लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या एक, ठीक है, और क्वेश्चन यही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी शून्य आप बी हो। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखने के बाद उस क्वेश्चन को ही आपको इस तरह से उत्तर में लिख देना है। अब देखो यार, अगर ये क्वेश्चन एक मार्क्स का है तो आपको यार हाफ मार्क्स मिलना ये तय है, ठीक है। अगर ये मैथ की रूल होती है कि अगर आप क्वेश्चन को भी आंसर में लिखते हो तो अगर वन मार्क्स का है तो आपको हाफ मार्क्स यानी आधा नंबर मिलना तय है, ठीक है। यदि a बराबर एक माइनस एक एक है तथा b बराबर एक 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 है तो सिद्ध कीजिए कि a भी शून्य आप भी है, इतना लिख देते हैं, ठीक है। ये इतना लिखते हो तो यार मैथ की रूल कहती है कि आपको मार्क्स मिलना तय है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को भी आंसर बनाते हो आप तो आपको मार्क्स मिलने का। इसके बाद जो मैंने ये स्टेप बताया है कि प्रश्नानुसार उसके बाद दिया है जो जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ये जो फार्मूला वर्मूला आप चाहते हो ना ये फार्मूला आप पुट कर देना है, क्योंकि मैथ में आपको नंबर मिलना ही मिलना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पे सभी प्रकार के ट्रिक टिप्स, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में कैसे पास हुए, बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हुए, कॉपी कैसे लिखे, सभी के वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो।